हम हैप्पीनेस एक्टिविटी में कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करने वाले हैं। और लाइफ में हमने देखा कि बहुत सारे मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें हमें आती हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है खुशी का, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? छोटी सी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम क्या है, अभी आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, उसको आपने लिखना है कागज में। कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम तो होती है, बट हम उसे शेयर नहीं कर पाते। हमें ये नहीं लगता है कि हमें ये बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। कई बार हमें डर भी लगता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को किसी से बताएंगे तो क्या होगा। कई बार हम शर्माते भी हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को अगर हमने बताया तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। प्रॉब्लम छोटी बड़ी किसी भी टाइप की हो, उसे कागज़ में लिखेंगे। अपना नाम नहीं लिखना है आपको, और उस कागज़ को फोल्ड करके अपनी प्रॉब्लम लिख के जो आपके साथ अभी चल रही है उसे कागज़ फोल्ड कर दिया और यहाँ पे रखना है। नाम नहीं लिखना आपको, ताकि वो पहचान ना हो सके कि प्रॉब्लम आपकी है। समझ आ गया? आपने अपनी प्रॉब्लम लिखनी है एक कागज़ में, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे उस प्रॉब्लम के साथ, ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए और ये ना पता लगे कि वो प्रॉब्लम एक्चुअल में किसकी थी। क्योंकि हमें ये नहीं जानना कि प्रॉब्लम किसकी है, बट हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। नहीं मिल रहा है तो हमारी क्लास में आपको सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो चलिए खुल के ओपनली इस हैप्पीनेस की एक्टिविटी में आज हम उस एक्टिविटी या उस समस्या को लिखेंगे जो हमारे साथ चल रहा है। आप ढक करके लिख सकते हैं ताकि पड़ोसी ना देखें। तो आपके सभी छोटे बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ चुके हैं और उम्मीद करेंगे ये प्रॉब्लम्स काफ़ी छोटी हों, जो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएं। और इनमें से हम एक पर्ची को उठाते हैं और इसे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बाहर की प्रॉब्लम है। एक दिन मैं और मेरी बहन जा रहे थे, तो प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट आई है। फैमिली की प्रॉब्लम है। मेरे पापा मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, पापा को कोई प्रॉब्लम है और मम्मी को भी प्रॉब्लम है। पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं हो पा रहे, घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल रहा है, ट्यूशन फीस भी जाती है और किस्त भी जाती है। ट्यूशन फीस हम भाई बहनों की जाती है और छोटे भाई बहन स्कूल फीस भी जाती है, इसलिए पैसे जमा नहीं हो पाते। पापा का ऑपरेशन के पैसे के लिए जमा नहीं हो पा रहे। क्या सॉल्यूशन आप देंगे, क्या समाधान है इस समस्या का? अगर आपके पास समाधान है तो इसका मतलब आप काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, माइंडसेट वाले हैं, तो हमारे पास समाधान भी होने चाहिए। हाँ जी, और सर उनको ना ट्यूशन में मतलब कि मिशन बुनियाद चल रहा है, तो सर उनको अपने आप प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर क्लास में टीचर आ रहे हैं, उनको पढ़ना सिखा रहे हैं, तो सर उनको ट्यूशन में थोड़ा अभी नहीं जाना चाहिए। वो जोरदार तालियां बजा दे हुआ सेम, मैं भी यही बोलने वाला था, बट मुझसे पहले ये हमारी क्लास के बच्चों ने, जो कि आप ही की तरह है। और कुछ सॉल्यूशन? यस, मम्मी पापा की जो तबीयत खराब है उनको मतलब हौसला देना चाहिए कि कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद जो ये फीस भर रहे हैं ये तो नहीं जानी चाहिए, और अपने आप से घर पर पढ़ना चाहिए इनको, और जो भी है ठीक से पढ़ना चाहिए, और अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, ज़्यादातर उनका काम करना चाहिए ताकि उनका जो काम है वो कम हो जाए। यस, कुछ और? सर जैसे कि इन्होंने बोला हमें हौसला भी देना चाहिए, और दूसरी बात हमें ऐसी ऐसी बातें अपने मम्मी पापा के सामने करनी चाहिए जिससे उन्हें लगे कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी भी कुछ कर सकती है, और उनके सामने चाहे वो ना हो लेकिन
ऐसी बातें करनी चाहिए। वेरी गुड, क्लैपिंग एक बार जोरदार, बहुत अच्छा सॉल्यूशन। चलिए एक नई समस्या है और इस पर्ची को हमने निकाला है, ध्यान से सुनना क्या समस्या है। मैं जब घर का काम छोड़कर पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मम्मी कहती है कि आज तूने कुछ काम नहीं किया। दूसरों को देख वो लड़कियाँ रोटी सब्जी सब बना लेती हैं और तू कुछ नहीं कर पाती है क्लास में। अच्छे मार्क्स लाई तो कहने लगे और अच्छे मार्क्स लाओ, पूरे 100% लाओ। समस्या समझ में आ गई? क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? सबसे पहले थोड़ा सा समस्या को समझते हैं। जैसे पढ़ने बैठो वैसे ही घर में मम्मी पापा कुछ काम पकड़ा दे, बड़ी बहन बड़ा भाई, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैं एक बार मम्मी ने बोला था काम करने को, लेकिन मैंने अभी अपना रूटीन बना लिया। मैंने मम्मी को बता दिया कि अगर मैं इस टाइम पर पढ़ने बैठूंगी तो इस टाइम पर मैं उठूंगी नहीं, चाहे आप कुछ भी बोलो। मैं मतलब अपना रूटीन बना के रख रखा है और जब उसमें बहुत मेहनत करती हूँ मैं, जब मम्मी बोलती है तो मैं उठती नहीं, चाहे मम्मी कुछ भी बोलते मैं इग्नोर कर देती हूँ। इग्नोर कर दिया मम्मी को, रूटीन बनाया हुआ है, इस दौरान मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। इस दौरान हो सकता है मम्मी भी धीरे धीरे आदत बन जाती कि इस दौरान अभिषाका को कोई काम नहीं बताना। और बताओ सॉल्यूशन। यस, नहीं नहीं, मम्मी तो क्यों कहती है नहीं, समाधान क्या है सर? उसको मतलब कि थोड़ा सा टाइम तो निकालना चाहिए पढ़ने के लिए। उसको मम्मी को बताना चाहिए कि मम्मी मैं पढ़ूंगी तो आगे कैसे पढ़ूंगी। मम्मी उसने बताया होगा लेकिन मम्मी काम बता देती है तो क्या हो सकता है? सर को पहले मतलब कि घर का काम करके जल्दी करना चाहिए और सर पढ़ने के लिए मतलब कि रात को भी पढ़ सकती है सर। रात को भी पढ़ सकती है, यह सॉल्यूशन क्या है? सर को मम्मी कह सकती हूँ मम्मी मैं इस टाइम में पढ़ूंगी, प्लीज आप मुझे इस टाइम में उठाए दीजिए और अपना काम सारा घर का जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अपना काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, एक और सॉल्यूशन है। हाँ जी, क्या सॉल्यूशन है? सर उसे ना हमेशा रूटीन बना के रखना चाहिए कि जो मम्मी काम करे उससे पहले झाड़ू पोछा कर ले, कि मम्मी को ना बोलना ना पड़े तो बैठे, सारे काम निपटा लो। हाँ, उससे पहले निपटा लो, फिर उसके बाद करने बैठे तो मम्मी कुछ नहीं बोलती। गुड, अच्छा सॉल्यूशन है। और हाँ जी, पहले आपने बोला था पेरेंट्स के संग और अपनी पूरी फैमिली के संग वो देखनी है वीडियो, तो हमने क्या करा टीवी के पास फोन रख दिया और हम आता भी घूमते रहे और मम्मी यहाँ पे पापा वहाँ पर सब रहते हैं, खाली भैया जी था तो हम सब लोग वीडियो देख रहे थे, तो मेरा भी काम हो गया और पापा का भी काम हो गया, मतलब दो काम एक साथ हो गया। अच्छा सॉल्यूशन दिया है अंजू ने। देखो डेली रूटीन में जो काम होते हैं आप उन्हें निपटा लो, कुछ नहीं कहा जाएगा आपको। रही बात मार्क्स ज़्यादा लाने की, तो ये कितने ज़्यादा लाने हैं, और अगर 100 आ गए तब क्या कहेगी मम्मी? मान लो मार्क्स 100% आ गए तब क्या कहेगी मम्मी? 110 लाओ, 120 लाओ, उसके भी तो 100 ही आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों 100 आ रहे हैं? अब परसेंट तो 100 ही होगा ना, अब कैसे हम 110 बढ़ाएंगे? तो देखो मम्मी और पापा की या घर वालों की या टीचर्स की हमसे उम्मीदें होती हैं तो वो रहेंगी, आपको उसमें इरिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपको बस मेहनत करते रहनी है। 80% आए हैं वो 90 हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, कंटिन्यू करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। काम घर के छोटे मोटे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अगली समस्या देखते हैं क्या है, पर्ची खोलते हैं। एक डिफरेंट समस्या है और ध्यान से सुनना। मैं जब 9-10 वर्ष की थी तब से ही मैं एक सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। मैं जब भी गाना गाती या डांस करती तब मम्मी मुझे रोक देती और कहती कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, इन सब पर ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। पापा हमेशा डांटते थे कि यह सब गंदी चीज़ें होती हैं, जो बच्चे अच्छे होते हैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। एक बार ये बात मैंने सबको बताई, मेरी मम्मी मामा मामी और उनके बच्चों को भी। यस, जब वह लोग हमारे घर आए हुए थे मेरे जन्मदिन पर, मैंने सोचा था कि मम्मी तो मेरी विश मान ही लेगी, लेकिन उस दिन मुझे बहुत डांटा गया था। मैं जब भी सोचती हूँ कि मुझे क्या बनना है आगे चलकर, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे यह जानना कि मैं क्या करूँ। हाँ जी, समस्या समझ में आई? क्या समाधान है? नाचना गाना ड्राइंग बनाना, खाली टाइम कटिंग वटिंग करते रहना, इसको
बेकार माना जाता है। क्या सॉल्यूशन है बच्चे के लिए? सर अगर उनके मॉम डैड मना करे डांस करने तो वो पढ़ाई करके डॉक्टर भी बन सकते हैं। पढ़ाई करके आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, बट वो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, उनके अंदर टैलेंट है नाचने का, डांस करने का, गाने का, तो क्या करेंगे? तो सर अपनी मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। रिक्वेस्ट नहीं मान रहे हैं? हाँ जी सर, इनको ना अपने टैलेंट पे मम्मी पापा को दिखलाना चाहिए कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ, और सर ये थोड़ा बहुत स्कूल में भी प्ले कर लेंगी मतलब, तो सर ये आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी सर, अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं कि तुम पहले पढ़ाई करो, तो वो अगर पढ़ाई करने के बाद जब फ्री बैठती तो डांस कर सकती है चाहे सिंगिंग कर सकती। वेरी गुड। हाँ जी सर जी, वो चाहते हैं वो पढ़ाई करे, तो पहले पढ़ाई कर मम्मी पापा को खुश करो, फिर जब उन्हें पता चल जाएगा मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ाई कर रही है तो फिर वो डांस भी कर सकती है, उनको कोई नहीं रोकेगा। यस, एक आइडिया गुड्डी के। जब भी स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन होता है उसमें हिस्सा लेके वो जीत जाती है, फिर अपने माँ बाप को बताती है कि जीती, तो माँ बाप को लगता है हाँ वो अच्छा कर रही है, तो उसे डांस कॉम्पिटिशन करना अच्छा होगा। क्या बात है, बहुत कमाल का सॉल्यूशन गुड्डी का, एक बार तालियां बजा दो गुड्डी के लिए। एक टाइम था जब एक लाइन कही जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। वो था जमाना, आज नहीं। आज पढ़ने लिखने वाले उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद खेलने कूदने वाले उस लेवल पे चले गए। सोच बदली है, सोच बदलने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ चेंज लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। अगर घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं कह रहे, घर वाले गलत नहीं है। घर वालों को यही पता है कि सिर्फ पढ़ लिख कर ही कुछ बना जाता है, लेकिन आज जितनी वैल्यू आर्ट एंड क्राफ्ट की है, आज जितनी वैल्यू, कभी कपड़े फटे कपड़े बड़े अजीब लगते थे, आज फटे कपड़े खूब बिक रहे हैं। कभी जो चीज़ अजीब सी लगती थी आज वो ट्रेंडिंग में है, आज उसी की डिमांड है। तो गाना नाचना क्रिएटिविटी ड्राइंग कुछ ना कुछ करते रहना आज ये टैलेंट बन गया है। आपको अपना वो वाला काम कंप्लीट करना है जो घर वाले चाहते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं। अब आप अपना वाला टैलेंट उसे दिखाओ, और बहुत अच्छे सजेशन आए कि आप क्या करो भाई, स्कूल में आप पार्टिसिपेट कर लो, तो स्कूल में जब आप पार्टिसिपेट करोगे आपको कुछ प्राइज मिलेगा, और बार बार मिलता रहेगा तो घर वाले आप पे बिलीव करेंगे और आपको ज़बरदस्ती कहेंगे कि जाओ उस कंपटीशन में भाग लो। तो क्लास में भाई ऐसे कंडीशन में शायद पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, मेरे पापा दारू पीते हैं और मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, पैसों की बहुत परेशानी है, और हमें और मेरा भाई कोई बड़ा भाई भी नहीं है, मेरे घर में सबसे बड़ी हूँ इसलिए सब मुझे ही देखना पड़ता है, और हम तीन भाई बहन हैं, हमारी पढ़ाई के लिए पैसे और कमरे का किराया, और मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। क्या सॉल्यूशन है? क्या रहे हैं? हाँ जी, क्या सॉल्यूशन है इसका? तो अपने घर का पहले काम कर ले, अपनी मम्मी को दवाई दे दो, उसके बाद थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल के वो पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। सिचुएशन क्रिटिकल है तो कैसे हमारा मन पढ़ाई में लगेगा? सर अगर उनके पापा दारू पीते हैं तो उन्हें पहले समझाना होगा कि पापा पैसे बहुत कम है, दारू भी आप छोड़ दो, अपनी मम्मी मतलब अपनी मम्मी का ज़्यादा हेल्प करने के लिए मम्मी दवाई मांगे, काम करके दवाई, फिर अपने भाई बहन को पढ़ाना चाहिए, भाई बहन को पढ़ाना चाहिए, पापा को समझाना चाहिए कि आप जो दारू वारू पी रहे हो उसमें आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, ना तो आप घर के लिए खर्चा भी चला सकते हो। सर उसको समझाना चाहिए अपने पापा को कि आप सब पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि हम लोग भी तो हैं पढ़ने लिखने के लिए, मतलब कि इसके पापा ऐसे पैसे वेस्ट करेंगे तो सर उनकी कंडीशन ऐसी रह सकती है। जी क्या कर सकते हैं सर? जो भी उनके दारू के जो भी पैसे होंगे उन्हें छुपा सकते हैं, और अपना जो भी खर्चा होगा मम्मी की दवाई उससे ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये पता लगे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप फैमिली को समझा पा रहे हो तो पापा जब ड्रिंक करते हैं तब उन्हें समझाना मुश्किल है, जब वो नॉर्मली रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल नहीं होंगे, उनके पास थॉट्स नहीं होंगे, वो सही गलत नहीं समझ रहे होंगे, उस टाइम आप एज ए
बड़े हैं आप घर के, तो आप उन्हें उस समय उनके पास बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स रख सकते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि ये सब कुछ नुकसान कर रहा है हमारा।